लेके आएगा आदमी ने बड़ी मार मारेगा उस सबको चौमिन बनवाएगा आदमी यहाँ ये दादा बुढ़ा गए हैं जी बन तो आज दादा बिरयानी है <laughs> इस साइड से ऑस्ट्रिया वगैरह हमला करा इस साइड से ब्रिटेन हमला कर दिया और सब मिल के जर्मनी को मारे से हिटलर ने अपनी सेना को खड़ा करके जो कहा गया था एक लाख नहीं होगी सात लाख फौज खड़ा कर दिया हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया तो टैंक पंडुबी पानी वाली जहाज सब बनाया जर्मनी ये देश कौन हो गया जर... जर्मनी।, जर्मनी जर्मनी को एक्चुअली में कब्जा करना था रूस पर लेकिन रूस इतना बड़ा है कि कब्जा करना बड़ा मुश्किल था तो जर्मनी ने ना गेम खेला किसके साथ रूस के साथ जर्मनी ने कहा कि जब हम पोलैंड पर हमला करेंगे ना तो तुम चुप रहना हम पोलैंड को हरा के पोलैंड तुमको दे देंगे बदले में तुम हमें अनाज दे देना समझ में आ गया तो रूस जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर दिया और रूस बदले में क्या दिया अनाज भर के अनाज दिया क्योंकि रूस के पास बहुत बड़ा एरिया गोदाम में गोदाम कई ट्रेन गोदाम पहुंचा दस साल का अनाज उ भर लिया अपने यहाँ कौन जर्मनी भर लिया यहाँ पर और रूस से कहा कि अब तुम पोलैंड को ले लो तो रूस की पूरी सेना आई किसको लेने के लिए पोलैंड को लेने के लिए तो जर्मनी हमला कर दिया हाँ रूस पे हमला कर दिया बड़ी मार मारा था रूस को और रूस पूरी तरह से हार गया था प्रथम विश्व युद्ध में भी बहुत बुरी हारा था लेकिन रूस का साथ दे दिया मौसम एक्चुअली इसको लगा था कि ठंडी आने से पहले ये जीत जाएगा रूस को रूस की सेना को लग गया कि हमको जीतना बड़ा मुश्किल है तो रूस की सेना पीछे भाग गई इंतजार करने लगी किसका ठंड और ठंड पड़ा तो जर्मन सेना जम गई बर्फ में बर्फ में जम गई अब उसके बाद जर्मन सेना क्या हो गई कमजोर पड़ गई ये आपको जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल से बताए लेकिन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन कारण यही था जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर दिया था पोलैंड जर्मनी से ज्यादा फेमस यहाँ का हिटलर है एडोल्फ हिटलर क्या एडोल्फ एडोल्फ हिटलर मीन कैंप मेरा संघर्ष उसकी आत्मकथा है ये क्वेश्चन पूछता है याद रखिएगा मीन कैंप जर्मन भाषा में आत्मकथा को मीन कैंप कहा जाता अगर हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाता तो हम लोग आजाद हो जाते उन्नीस सौ चौवालीस में लेकिन हिटलर द्वितीय जर्मनी जीत गया तो हमारी भाषा अंग्रेजी था, जर्मनों का। जर्मनी में बहुत बुरी तरह हारा था और जर्मनी को ये लोग कुत्ते की मौत मारे थे लोग फ्रांस इधर से हमला किया जर्मनी के ऊपर इस साइड से ऑस्ट्रिया वगैरह से हमला करा इस साइड से ब्रिटेन हमला कर दिया और सब मिलके जर्मनी को मारे और जर्मनी से को पकड़ के लाया सब उसके शासक को पेरिस की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में और उन्नीस सौ उन्नीस में पेरिस में वर्साई की संधि किया की इस संधि में कहा गया कि फ्रांस और ब्रिटेन को जर्मनी को मारने में जितना खर्चा लगा है उतना जर्मनी वापस देगा मैंने जो तुमको जो पीटे हैं ना उसका पैसा हम लेंगे हाँ उसी से लेंगे जब सरकार आपका घर गिराती है ना तो आप ही से पैसा लेती है अगर आप इलीगल घर बना लिए सरकारी जमीन पे सरकार आएगी ना अगर तोड़ेगी ना उसको तो आप ही से पैसा थमा देगी बिल आप ही में हुआ है इसमें आप ही में खर्चा हुआ समझ में आ गया कि नहीं आ गया तो जर्मनी पे खर्चा लगा बताइए जर्मनी के लोगों को कितना बुरा लगेगा हिटलर उसमें युद्ध बंदी हो गया क्योंकि एक यहूदी के घर में छुपा था कहा था बताना मत वो आके बता दिया यहूदी आके बता दिया कि इसमें जर्मनी इसमें छुपा है जर्मन है कहा कि चुट्टा तो नहीं निकल तो जरा बताई तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया किसी को कोई दिक्कत रेलवे वाले में जब कांड हुआ था ना तो सोच रहा हमको को तो साथ नहीं दिया हम भी कहें कोई बात नहीं हम भी हिटलर की कहानी पढ़े हैं आ <laughs> गया कि नहीं आ गया अब जो हिटलर जब भड़क गया किसके ऊपर जीव यहूदियों को इंग्लिश में क्या कहा गया जीव आगे तो रहा हम छोड़ेंगे नहीं लेकिन क्या कर सकते युद्ध बंदी था जेल में था हिटलर उसके बारूद लग गया था आंख पे ब्लास्ट हुआ था ना आंख पे बारूद लग गया था उससे कम दिख रहा था वर्षाई की संधि जब हुई तो कहा गया कि जर्मनी सारा पैसा देगा और संधि में लिखवाया गया कि जर्मनी कभी भी एयरफोर्स नहीं रख सकता है जर्मनी कभी भी नेवी नहीं रख सकता है जर्मनी कभी भी पंडुबी नहीं रख सकता है जर्मनी कभी भी एक लाख से ज्यादा फौज नहीं रख सकता है जर्मनी का सारा कोयला क्षेत्र फ्रांस का हो जाएगा बताइए यह दूसरी विश्व युद्ध के लिए एक निमंत्रण नहीं था आप हिटलर को गरियाते ही उसके साथ क्या बीता था आपने कभी सोचा है यहाँ पर बहुत जर्मनी को बर्बाद किया हिटलर को जब ये की संधि पता चली तो हॉस्पिटल में इतना रोया था कि डॉक्टर ने लिखा था कि बिना दवा दिए इसकी आंख की रोशनी सही हो गई इतना रोया था वहां पर वो तो गाना है ना है। इतना रोया हूं मैं याद करके तुझे आंसुओं में मुझे डूब जाना पड़ा हिटलर ने ऐसे रोया था हालांकि ये सब तो लड़किया को बेवकूफ बनाने के लिए लड़का कहता था आंसू में डूब के मरेंगे सोचा बच कैसे गया यहाँ पर समझा कितना मानता है पहलका से भी ज्यादा मानता है बताइए ध्यान से जर्मनी के साथ भेदभाव हुआ था कि नहीं हुआ था हिटलर निकला जेल से मीन कैंप वगैरह लिखा आया सेना में भर्ती हुआ सेना में योग्यता के दम पर ऊपर गया और वहां पर जब ऊपर पहुंचा तो वहां पे वाम हिंडनबर्ग जो वहां के प्रेसिडेंट थे वाम हिंडनबर्ग को साइड किया उनकी मरवा दिया यही अरे उनकी एसेसनेट हुआ था वो लोग बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मरते नहीं साइडे लगवा देते हमारे ये शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री क्या इसे थोड़े हुए थे उनके साथ भी बहुत बड़ी कॉन्स्परेसी थी वहां इंडनबर्ग गए इसने क्या किया आपातकालीन में शासन संभाला और संविधान में संशोधन कर दिया कि सेना के हाथ में ही सब कुछ रहेगा और हिटलर ने पूरी देश के लोगों से कहा कि क्या तुम्हारा खून नहीं खोलता है कि तुम्हारे देश का कोयला तुम्हारा दुश्मन ले जा रहा है तुम्हारे पास किस चीज की कमी है कि तुम एयरफोर्स नहीं रख सकते हो तुम्हारे अंदर क्या वो जुनून नहीं है जो तुम नेवी के युद्ध पोत संभाल सकते हो पूरी देश की जनता हिटलर के क्या हो गई साथ हिटलर के पूरी देश का साथ हो गया हिटलर ने सबसे पहले एयरफोर्स बनाया हिटलर ने सारा नेवी बनाया लोग कुछ नहीं बोले हिटलर ने अपनी सेना को खड़ा करके जो कहा गया था एक लाख नहीं होगी सात लाख फौज खड़ा कर दिया हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया तो टैंक पंडुबी पानी वाली जहाज सब बनाया जब सब बना लिया ना तो फ्रांस को एक दिन में कब्जा कर लिया एक दिन में फ्रांस फ्रांस के राष्ट्रपति भाग रहे थे ट्रेन में पकड़ के उतारा ट्रेन में से उतर प्लेटफॉर्म पे बैठा के साइन कराया था कि जर्मनी से तुम जितना कोयला ले गए हो वो दस परसेंट ब्याज से वापस कर दो तो बीस सालों तक जितना कोयला ले गए थे ना उतना वापस किए थे दस परसेंट के ब्याज और जिस वर्षाई की संधि में उठ के जर्मनी को सताया गया था हिटलर का यही है ना वो महल वर्षाई का महल अब फ्रांस को बताते धोके मारा था फ्रांस को फ्रांस को बचाने के लिए आई थी इंग्लैंड की सेना इंग्लैंड की सेना को चारों ओर से घेर लिया था फ्रांस जर्मनी ने इतना मार मारा था ना इतना मार मारा था कि वहां के के राष्ट्रपति जो थे तो थे उस समय प्राइम मिनिस्टर चर्चिल उनको संसद में बयान देना पड़ा था कि हमारी सेना इतनी क्यों मरा रही है किसी तरह तालिबान वाला घेर के मारा था अमेरिका को और यहाँ एक नारमंडी बीच है नारमंडी बीच के बाद डेंकन आइलैंड है वहां से ये सब भागे थे सब पानी में कूद कूद के भाग 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 जर्मनी आ गया यहाँ पर इतना मार मारा यहाँ पे लंदन के ऊपर पंद्रह दिन पंद्रह रात बिना रुके बम गिराया था जो लंदन देख रहे हैं दूसरा लंदन है पहले का तो उड़ा दिया ही। <laughs> उसका जो पुरान का लंदन था उसका एट्टी परसेंट तो दिन पंद्रह रात बिना रुके बम गिराया था किसने जर्मनी इतना मार मारा जिसका कोई हद नहीं रहा नीचे ऊंचे सब जना को चौपट कर दिया यहाँ पे इधर पोलैंड को मार दिया तो नीचे में एक था इटली इटली का शासक था डोमिटो मुसिलिनी बैल था ससुराई

कंप्लीट युद्ध कभी नहीं लड़ना चाहिए याद रखिएगा जो भी देश कंप्लीट युद्ध लड़ा बर्बाद रूस कंप्लीट युद्ध लड़ा बर्बाद जर्मनी कंप्लीट युद्ध लड़ा बर्बाद फ्रांस कंप्लीट युद्ध लड़ा बर्बाद ब्रिटेन कंप्लीट युद्ध लड़ा बर्बाद अमेरिका टुकु टुकड़ खाली बम गिरा रहा था जापान पे परमाणु बम यहां पे बम कभी कंप्लीट युद्ध नहीं लड़ा है अभी भी है चाइना कभी कंप्लीट नहीं युद्ध लड़ा है अक्सर बस गलवान घाटी में घुसता है फिर मनी करके भाग जाता है पता है कंप्लीट युद्ध करेंगे तो बर्बादी आपकी फिक्स है समझ में आ आ गया गया कि नहीं और वो गया जमाना उन्नीस सौ का दो गया बाईस पे उस समय फौज के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी पैसा नहीं था ये अलग बात था आज के समय में ने हम ही लोग पहले फरिया लेंगे आओ चाय चुई करेगा सर चार फीट का तो करता है सर अरे पकड़ के चढ़ के ऊपर बैठ जाना है नहीं समझा करना थोड़ी है मुड़िया पकड़ के कूद जाना ऊपर है ऊपर है इतनी चूंकि हो गई करता है सर यहाँ चिंग रहता है से बात करें आप लेके आएगा आदमी ने बड़ी मार मारेगा उस सबको। चौमिंग बनवाएगा आदमी चौमिन बनाओ सो चाउमिन लेकिन उन सो के हाथ के चौमिन नहीं खाना चाहिए सोचा चमगा मिला देगा सो उसमें पगला होता है सोचो कौन चीज खा जाएगा सब पता नहीं चलता है सब कुछ खा जाता है सब कुछ दिन में देखिएगा ना अपने बूढ़ दादा बाबा को खाएगा सब ए दादा बूढ़ा गए हैं जी बंतो आज दादा बिरयानी <laughs> जाएगा है नहीं गया? आगे बढ़े सुभाष चंद्र बोस हिटलर हाँ हाँ विरोध किया था वो मन में नहीं किया विरोध किया तो माना नहीं जर्मनी बनाते गया चुपचाप बना रहा था भारत की तरह थोड़ी ना कि हमारे यहाँ नेपाल से विवाद कैसे शुरू हो गया नेपाल में हम लोग एक सड़क बनाए थे तो राजनाथ सिंह उद्घाटन करने चल गए अरे का मतलब बनता है बॉर्डर पे बन रहा था आपको उद्घाटन कहीं ना जहां उस चुपचाप बना रहा था कोई उद्घाटन उद्घाटन नहीं सब बन गया तब इन लोगों को लगा कि जर्मनी के पास पंद्रह सौ पायलट है सब उससे चार हजार पायलट रखा था तीन गुना चार गुना का अंतर था पर और ब्रिटेन के पास पायलटे नहीं थे सब ब्रिटेन ने भी कहा हम भी मारेंगे पंद्रह दिन तक बम ब्रिटेन के पायलट दो दिन से सोए नहीं थे सब जॉजिए में सू दिया और उसके बाद पायलट की कमी नहीं थी एक बम गिरा के आ रहा है तू करा हट छचा आराम करो हम उड़ो ही तो ले जाकर मारा बम मारा बहुत मार मारा था जर्मनी की एक ही घट देखिए जब इंसान सक्सेस हो जाता है ना एक बड़े लेवल पे चला जाता है तो अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है उसको लगता है दुनिया ऐसी चलेगी ऐसा नहीं चलेगा उसको हमेशा बीच में रहना चाहिए हमको देखिएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे निन्यानवे परसेंट लड़के जो हैं ऑनलाइन है एक परसेंट लड़के ऑफलाइन है फिर भी हम इसको इसको कभी नहीं छोड़े जबकि अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इसको इसलिए रहता है ताकि पांव जमीन पे रहे समझ समझा लोगों की समस्याओं को समझ सके और ना कैमरे में एसी में बैठे रहेंगे स्टूडियो में ना तो लोगों की समस्याएं नहीं समझ पाएंगे कि गरीबी क्या चीज होता है कि स्टूडेंट को क्या समस्या रहता है वरना इसको छोड़ने में कोई बहुत बड़ा चीज तो नहीं जाता है आप एक परसेंट का बात हो जाता है अब अंदाजा लगा लीजिए आप लोग एक परसेंट सबसे बड़ कोचिंग है एक परसेंट भी सबसे बड़ा कोचिंग है आगे बढ़ जाए किसी कोई दिक्कत नहीं यूपीएससी वाला ऑनलाइन होगा हाँ भाई ऑनलाइन वालों को छोड़ कैसे देंगे हर चीज ऑनलाइन होगा आपको छोड़ नहीं सकते हैं हम लोग आप